नमस्कार, जय जयेंद्र, प्रणाम। मैं सतीश जैन फ्रॉम रोहिणी एस्ट्रोवास्तु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरा ये चैनल लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। वैसे तो एक भगत का मुझे फ़ोन आया कि सर, आपकी जो ये न्यूमरोलॉजी की सीरीज चल रही थी, मैंने सारी सीरीज देखी है, पर मेरे मन में एक सवाल है कि जो ये 1 से 9 नंबर है, उसमें 9 नंबर को इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? काफ़ी अच्छा सवाल था, तो आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। वैसे तो देखिए, हर एक जो न्यूमरोलॉजी में जो नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, पर 9 नंबर न्यूमरोलॉजी में सबसे आखिरी नंबर आता है 9। और लोग बोलते हैं कि 9 नंबर को बहुत इम्पोर्टेंस हम लोग देते हैं क्योंकि नवरात्रि है, नवग्रह है, नवरस है, नवग्रह है, ऐसे ऑल 9-9 है, तो इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया है 9 नंबर को? इसका क्या महत्व है? इसका ज्योतिष में क्या महत्व है? इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, न्यूमरोलॉजी इज ए मैजिक वर्ल्ड है, वर्ल्ड का मैजिक वर्ल्ड। इसमें 1 से 9 नंबर के सब कैरेक्टर दिए हुए हैं। तो ध्यान में रखिए कि 1 नंबर सूर्य का है, वो भी अग्नि का प्रतीक है, और लास्ट में 9 नंबर है मंगल, वो भी अग्नि का प्रतीक है। यानी इसके बीच में जो आंकड़े आते हैं 2 से 8 तक, 1 नंबर वाला भी सपोर्ट करता है ऊर्जा का, और 9 नंबर वाला भी सपोर्ट करता है, यानी दोनों ओर से ऊर्जाएं आती है। इसलिए 9 नंबर को न्यूमरोलॉजी में बहुत सारा इम्पोर्टेंस दिया है। लोग भी 9 नंबर को शुभ आंकड़ा मानते हैं। वैसे तो शुभ अशुभ कोई होता नहीं है, सारे आंकड़े शुभ रहते हैं, पर 9 नंबर ही क्यों, तो इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, 9 नंबर लीड करता है मंगल को, मंगल यानि अग्नि, अग्नि यानि ऊर्जा। तो 9 नंबर में एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा पावर है जो हमको विजिबली या डिसविजिबली आपको सपोर्ट करता है। बहुत से बोलते हैं कि मेरे फ्लैट का नंबर 9 होना चाहिए, गाड़ी का नंबर 9 होना चाहिए, तो क्यों? क्योंकि 9 नंबर, जब आप वो घर में रहने जाते हैं 9 नंबर के घर में, या फिर जिस फ्लैट की टोटल 9 आती है, तो वो 9 आंकड़ा आपको ऊर्जा देता है, यानी आपको उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। इसलिए 9 नंबर को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। हमारे शास्त्रों में 9 ग्रह है, नवरात्रि को भी 9वें दिन बहुत इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, नवरस है, यानी हर एक 9-9-9 की सीरीज जो चलती है, ये मंगल करती है। मंगल यानी सब कार्य में मंगल, 9 नंबर मंगल देता है। अभी मंगल का जैसे शुभ आंकड़ा है, वैसे उसकी डिसक्वालिटीज भी है। मंगल यानी हाइपर, यानी जिसके जातक के पत्रिका में मंगल होता है वो हाइपर होता है, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें एंगर भरा होता है, और ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी लेवल उसके उसमें भरा रहता है। तो कभी कभी ये मंगल उनको थोड़ा तकलीफ भी देता है, 9 आंकड़ा उनको तकलीफ भी देता है, क्योंकि हर एक चीज़ जब लिमिट में होती है तो उसका फ़ायदा अवश्य मिलता है, पर जब वो चीज़ लिमिट के बाहर चली जाती है, यानी जिसके लाइफ में कंटिन्यू 9-9-9-9 यानी कंटिन्यू मंगल मंगल आता है, तो उसका अग्नि तत्व प्रदर्शित होता है, और उससे क्या होता है कि गुस्सा, जहाँ कुछ नहीं बोलना है वहाँ ऐसे वर्ड बोले जाते हैं, उसके कारण बातें बिगड़ जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र बोलो, हिंदू संस्कृति बोलो, या आम जीवन में 9 नंबर को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। अगर आप सोच समझकर इस 9 नंबर को अमल में लाते हैं, तो आपको जो बेसिक ऊर्जा चाहिए, क्योंकि मनुष्य को जीवन में ऊर्जा की बहुत ज़रूरत रहती है, तो वो 1 नंबर यानी सूर्य देता है, और 9 नंबर यानी मंगल। सूर्य तो रोशनी देता है, पर मंगल जो है वो रोशनी के साथ साथ ऊर्जा मनुष्य के जीवन में जो एक संचार होता है ऊर्जा का, जिसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो कैपेसिटी चाहिए, जो बल चाहिए,
वो 9 नंबर देता है। इसके लिए हमारे न्यूमरोलॉजी में बोलो या ज्योतिष शास्त्र में बोलो, 9 नंबर को बहुत ही इम्पोर्टेंस माना गया हुआ है। अगर किसी के जीवन में 9 नंबर रिपीट हो रहे हैं, उसके कारण उनका एंगर बढ़ रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र में उसके भी उपाय दिए हैं। तो उससे उसका जो सबसे पहला उपाय है कि प्राणायाम करें। जब इंसान प्राणायाम या अनुलोम विलोम करता है तो उसका गुस्सा शांत होता है पर ऊर्जा बनी रहती है। कोई स्टोन भी सजेस्ट करता है कि भाई मूंगा पहनो, कोरल, तो उससे भी मंगल उनको सपोर्ट करता है। तो मंगल के बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, पर 9 नंबर इसको मंगलकारक ग्रह बोला जाता है। तो इसका आप सही उपयोग में लाते हैं तो निश्चित ही जीवन में आपको सुख, समृद्धि, ऊर्जा और ऐश्वर्य मिलता है। नमस्कार, प्रणाम।